12 साल बाद कुबेर राजयोग बनने से इन राशियों की चमकेगी किस्मत। देवताओं के गुरु बृहस्पति की रहेगी विशेष कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करके शुभ और राजयोग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर सीधे तौर पर पड़ता है। आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 मई को वृष राशि में गोचर कर लिया है, जिससे कुबेर योग का निर्माण हो गया है, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है, साथ ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, कन्या राशि। आप लोगों के लिए कुबेर योग लाभकारी साबित होगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से नवम भाव पर बनने जा रहा है, जिसे भाग्य और विदेश स्थान माना गया है। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा, साथ ही इस दौरान आपके अटके हुए कार्य बनेंगे, साथ ही आपको नौकरी में नए अवसरों की प्राप्ति होगी और जो लोग नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उनको लाभ होगा। वहीं इस समय आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। वहीं आपके घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। नंबर 2, वृश्चिक राशि। कुबेर योग का बनना वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव पर संचरण कर रहे हैं। इसलिए इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं इस समय आपके जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, साथ ही जो अविवाहित लोग हैं उनको रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं आप कारोबार में धन भी अच्छा कमाएंगे और बचत भी अच्छी कर पाएंगे, साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। नंबर 3, कुंभ राशि। आप लोगों के लिए कुबेर योग का बनना अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव पर विचरण कर रहे हैं। इसलिए इस समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही आप कोई प्रॉपर्टी और वाहन खरीद सकते हैं। वहीं आप बिजनेस में भी नए आइडिया पर काम कर सकते हैं और आपको उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। वहीं अगर आप रियल स्टेट, प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद से जुड़ा काम कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। वहीं इस समय आपकी दैनिक इनकम में भी इजाफा होगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।